नमस्कार। बालोद से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि जहां मां से रेप वही बेटी ने किया आत्महत्या। बता दें कि छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक युवती ने उस फैक्ट्री में सुसाइड कर लिया जहां उसकी मां से रेप हुआ था। फांसी के फंदे से लटका हुआ उसका शव मिला है। उसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें लड़की ने लिखा है कि पापा मिस यू, मगर युवती की मां ने इस पूरे मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि मुझे भरोसा नहीं है, जरूर उसके साथ कुछ गलत हुआ है। मामला अर्जुंदा थाना क्षेत्र का है। पाट गब्दी स्थित धाक एंड धाक फैक्ट्री में युवती का शव 1 जनवरी की रात को फंदे पर लटका हुआ मिला था। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। वहीं अगले दिन सोमवार को उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस फैक्ट्री में लोहा बनाने का काम किया जाता है। बताया गया है कि 21 वर्षीय युवती बीएससी की छात्रा थी। वह फैक्ट्री में अपने भाई के साथ रहती थी। उसकी मां भी इसी फैक्ट्री में काम करती थी, मगर 1 साल पहले उसके साथ रेप हुआ था। बता दें कि रेप का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि फैक्ट्री मालिक विजय धाक पर ही लगाया गया था। इसके चलते विजय धाक को जेल भी जाना पड़ा था। साथ ही उसकी पत्नी नंदनी धाक को भी जेल जाना पड़ा था। नंदनी पर महिला को धमकाने का आरोप लगाया गया था। कहा गया है कि कुछ समय पहले ही वे दोनों जेल से छूटे हैं। रेप की घटना के बाद रेप पीड़िता महिला कहीं और जाकर रहने लगी थी। उसका पति पहले ही उसे छोड़कर जा चुका था, लेकिन उसने अपने दोनों बच्चों को फैक्ट्री में ही छोड़ दिया था। इस बीच यह घटना घट गई है। महिला ने बताया कि मुझे मेरे बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा था। मैंने कई बार उनसे मिलने का प्रयास भी किया था। रेप की घटना के बाद मैं यहाँ से चली गई थी। उसने बताया कि सोमवार को उसका अंतिम संस्कार मुझे बिना बताए ही कर दिया गया। मुझसे कहा गया कि उसने सुसाइड किया है, मगर ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। मुझे सुसाइड नोट की लिखावट पर भी शक है।